ट्रेंड सो अगैन वेलकम इन माई इंग्लिश क्लास सो टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर इलेवन ओके नाव यू विल स्टार्ट योर यू टी सेकेंड आज से आपका यू टी सेकंड स्टार्ट होता है क्लियर सो so आप आज आप, आप क्या करेंगे नोटबुक में आपको पोएम लिखनी होगी सो so आप लोग क्या करेंगे पेज नंबर सॉरी आपकी जो कॉपी है इंग्लिश की वहाँ पर आप क्या करेंगे एक पेज पर फोल्ड करके या फिर आप लिखेंगे यू टी सेकेंड स्टार्ट ओके नाव यू विल स्टार्ट योर रीडिंग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम लोग फिर पोएम करेंगे राइड करेंगे ओके okay? सो so, अब ये क्या है चैप्टर नेम है आपका यूटी टी सिक्स में चैप्टर आपके थ्री हैं कुछ बुक में केवल टू होंगे शायद आपका द डंकी और आई है लिटिंग पोरी होगा और द मिल्क्स मैनस का नहीं होगा अगर है तो ठीक है नहीं है तो मुझे एक कोई ना कोई बता बोल देना इन्फॉर्म कर देना कि हाँ मैम है यूकि मैम मेरे बुक नहीं है आपकी और जो पी है मेरे पास उसमें तो ये पर चैप्टर है अगर है तो मैं एक्सप्लेन करूँगी अगर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी ओके हाँ स्टोरी सुननी है तो तुम मैं एक्सप्लन कर दूँगी वैसे ही नहीं कराऊँगी वो ठीक है के लिए चलो लेट स्टार्ट मुझे अपनी इंडेक्स का फोटो सेंड कर दीजिए कोई भी ठीक है इसका जो बुक का है ठीक है फर्स्ट आपका चैप्टर है इसमें द डंकी ठीक है इसको बोल सकते हैं एलेवेंथ चैप्टर द डंकी ओके सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं लेट स्टार्ट ओके सो हमने आपका इंग्लिश का जो पेपर था वो हमने आपका हाफ़ सॉल्व किया है हाफ आपका हम बाद में सॉल्व कर देंगे बिकॉज आप करेंगे तो पेपर बहुत आपका जो वर्क है बहुत पेंडिंग पड़ा है और सारा रह जाएगा ठीक है क्या लिखा है रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम चौ पोएम का नेम क्या है डंकी आपको राइट राइडिंग करनी है पोएम डंकी वाली बस ठीक है और दूसरी वाली बोने लिखनी है ठीक है और आप यहाँ यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे ठीक है और चैप्टर नेम डालेंगे द डंकी चैप्टर एलेवन ठीक है ओके बहुत ही नीट एंड क्लीन करना है ठीक है ये नहीं है कि गंदा गंदा काम करती है मैंने बहुत राइटिंग देखी है बहुत गंदी देखी है और कुछ बच्चों राइटिंग बहुत बहुत अच्छी है ठीक है सपोज मन्नत खन्ना की राइटिंग बहुत अच्छी है ठीक है कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है प्रीति की राइटिंग भी अच्छी है अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर मैं तो नाम भी ले लूँगी कि हाँ इसको राइटिंग गंदी है ठीक है और हाँ किसी को अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के बारे में पेपर के बारे में मुझसे कॉल कर लेना ठीक है मुझे कॉल कर लीजिएगा ठीक है ओके इफ आई हैड आ डंकी अगर मेरे पास डंकी होता ठीक है था एंड ही वुडन्ट गो वुड आई वुड आई वलैप हिम नो 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 मतलब क्या कह रहे हैं अगर ये मेरे पास डंकी होता ठीक है और वो अगर नहीं जाता आप उससे बोलते हिलो जाओ <coughs> सॉरी तो नहीं आता तो क्या मुझे उसे मारना चाहिए मारना मतलब चाबुक से होता नहीं है वो तम, वो बहुत दस्ती बंदी होती है उसको उससे मारते हैं उससे हमें उसे मारना चाहिए था या नहीं मारता आई फाइंड अ लिटिल हे मुझे थोड़ा सा चारा बोलते नहीं जो चारा होता है वो मिला एंड गिव हिम सम कॉर्न मैं उसे थोड़ा सा क्या करता है वो बोलता है मैं ऐसा काम नहीं करता वो बोलता क्या मैं उसे मारता तो वो बोलता कि नहीं 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 मैं उसे नहीं मारता तो वो जो बच्चा है वो बोलता कि आइट फाइंड अ लिटिल है मैं थोड़ा थोड़ा चारा ढूंढ के ले आता और थोड़ा सा उसे कहता कॉर्न देता मक्का जो होती है वो देता खाने के लिए देन हीट बी द बेस्ट रंग की और वो थोड़ा सा अब वो बेस्ट रंग बन जाता दैट दैट एवर वॉज वॉन जो पहले से तो था ठीक है तो उसे मारना नहीं पड़ता उसे हम चारा देते खाने को देते तो हमारी बात मानता है ना तो उसका कहने का मतलब ये है कि हमें उसे नहीं मारता जैसे जैसे कि लोग मारते हैं नेक्स्ट है कि आई हैड अ लिटिल पोनी ठीक है लिटिल पोनी मतलब क्या है जो डंग जो, जो हॉर्स होते हैं हॉर्स का जो छोटा बेबी होता है उसे बोलते हैं जो पोनी मतलब छोटा जो हॉर्स होता है उसे बोलते हैं पोनी ठीक है क्या कह रहे हैं इसमें आई हैड अ लिटिल पोनी मेरे पास एक पोनी थी हिज नेम वॉज डैपल ग्रे उसका नेम क्या था डैपल ग्रे जो उनके पास पोनी थी उसका नेम क्या था डैपल ग्रे आई लैंड हिम टू अ लेडी मैंने उसको एक लेडी को लैंड पे दी मतलब उसको दुहार दिया कि हाँ राइड कराएं टू राइड अ माइल लव थोड़ा कि बहुत दूर तक उस पर राइड करके आ जाए क्या है शी बिब्ड हिम शी लेस्ड हिम उन्होंने उसको बहुत मारा उसी से जो होता है और उसे बांध के रखा बहुत ही राइटली और उसे मारा ड्रोव हिम थ्रो द मायर जो गड्ढे होते हैं जो कीचड़ वाले गड्ढे होते हैं वो उन गड्ढों से उसको ले गई आई वुडेंट लैंड माई पोनी नाव वो कह रही है कि अब मैं अपनी पोनी कभी किसी को लैंड पे नहीं दूंगी फॉर ऑल द लेडीज हाय चाहे वो लेडी उस पोनी के लिए कितने भी रुपये उसको दे वो आपसे अपनी पोनी किसी को भी नहीं देगी वही कॉमन सी बात है अब जिस जानवर से आप प्यार करते हैं आपने किसी को दे दिया वो उसको मार रहा है बहुत बुद्ध तरीके से चोट भी दे रहा है उसको उसको ऐसे तो खून भी निकलेगा बॉडी से तो वो कोई कैसे दे देगा नहीं देगा ना तो बस इसमें बस यही बात थी ठीक है सो आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे जो आपको समझ में आ रहा है वो अपना फिल कर लीजिएगा इतना ठीक है इसका वाला आपका मीनिंग हम नेक्स्ट कराएंगे वुड यू वर्ड वुड अ चाइल्ड गिव द टंकी टंकी को चाइल्ड क्या देता था आपने पढ़ा था अभी ठीक है सो नेक्स्ट क्या है वर्ड अब ये करते हैं वर्ड इज़ अ पोनी पोनी इन तीनों में से पोनी कौन है पोनी ऑफ कॉर्स अ हॉर्स बेबी हॉर्स ओके ओके नेक्स्ट क्या है इसको आप बुक में फिर कर सकते हैं ये बुकि में करना काफ़ी में करना है सिर्फ पोयम लिखनी है वो वाली वर्ट डिड द लेडी डू टू द पोनी पोनी के साथ लेडी ने क्या किया है hey, सी टू केयर पोनी नो उसने केयर तो बिल्कुल भी, भी नहीं करी सी विपड एंड ले कॉल उसने उसे मारा अब बाइटली सॉरी <coughs> और वॉट डि अ चाइल्ड डिसाइड टू डू चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया कि टू टू लैंड द पोनी अगैन लेडी ना दोबारा वो लेडी को देगा ही नहीं देगी ही नहीं ना टू नेवर लैंड अ पोनी अगैन उसने कहा कि दोबारा वो पोनी उसको धार मतलब किराए पर नहीं देगी तो आंसर क्या होगा बी वाला क्या होगा आपका आंसर आंसर इज बी ओके नेक्स्ट क्या है ओके okay, नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक अबाउट क्या लिखा है इसमें सॉरी <coughs> लिखा है कि हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल क्या आपने कभी देखा है कि लोग जानवरों को मारते हैं तो अगर देखा है तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं आपको ऑन डिस्कशन है कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं है बस डू यू एवर टीज एनिमल्स क्या आप कभी एनिमल्स को चुड़ाते हैं डू यू थिंक दैट यू शुड बी टेक यू शुड बी काइंड टू दैम क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि एनिमल को चिड़ाते हैं अगर चिड़ाते हैं तो प्लीज़ आपसे मत करिएगा ठीक है क्वेश्चन बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको कुछ करना नहीं है बस सुन सुन लीजिए ठीक है टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजल पैड्स दैट यू हैव सीन अनयूजल मतलब बहुत अजीब से आपने पैड देखे हैं तो बताइएगा अपने फ्रेंड्स को बस ठीक है यही है अब इसमें देखते हैं क्या है वर्ल्ड बिल्डिंग ओके आपको क्या करना है वर्ल्ड बिल्डिंग करनी है ओके okay? क्या लिखा है कि स्टेबल वेयर कैन वी फाइंड आ स्टेबल हम स्टेबल कहाँ फाइंड करते हैं ठीक है सो so, बताइए कहाँ मिलता है स्टेबल वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल कहाँ मिलेगा हम स्टेबल स्टेबल वो होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं लाइक like, कौन से एनिमल्स रहते हैं uh, उनको रखा जा बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं हॉर्स होता है ठीक है काव होती है उनको भी स्टेबल्स में रखते हैं ठीक है तो स्टेबल कहाँ मिलता है फार्म हाउस में मिलते हैं तो इसका आंसर क्या होगा फार्म हाउस ठीक है फार्म हाउस होते हैं ठीक है ब्लेज होते हैं वहाँ मिलते हैं ठीक है नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो स्टेबल में रहते हैं बहुत जो भी होते हैं आपके आइडिया में जो जो है आप उनके उनके नेम लिखेंगे ठीक है इतना तो कर सकते हैं मेक टू वर्ड्स दैट फॉर्म फ्रॉम स्टेबल बाई रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग ठीक है अब वो कह रहे हैं कि आपको से जो स्टेबल लिखा है लिखा हुआ है इस पहला लेटर हटा हटा दीजिए रिमूव कर दीजिए पहला लेटर तो क्या बन के आएगा टेबल टी एल ई टेबल ठीक है अगर आप टी वी हटा देंगे तो क्या बनेगा एबल एबल का मतलब होता है किसी काम को करने के लायक ठीक है क्लियर ओके अब आपको क्या लिखना है राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पैड और एन एनिमल यू लव आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है जिसके बारे जो आप, आपके पास कोई एनिमल है तो उसके बारे में आप लिखेंगे फोर लाइन्स में ठीक है अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप किसी एनिमल को पसंद करते हैं तो लिखेंगे ठीक है क्लियर अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे क्या लिखा है इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट राइम विद ओके आपको लिखना है कि जो सेम सेम वर्ड्स जैसे कॉर्न लिखा है तो कॉर्न के साथ ऐसा क्या वर्ड होगा जो सेम सेम उसका प्रोनाउंस करेगा वो लिखना है ठीक है अगर आपने पोइम पढ़ी होगी तो अभी अभी देखा था इसमें आपने बहुत सारे देखे थे ठीक है तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना है उसी के हिसाब से हमें इसमें फिल करना है ठीक है सो तो क्लियर अब हमने देखा, देखा था इसमें कहा गया गाँ कॉर्न है तो कॉर्न मतलब राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है बाकी के पीछे के वर्ड्स सब सेम रहते हैं बस एक लेटर चेंज होता है एक मतलब वन एंड टू लेटर चेंज हो जाते हैं कौन लिखा है तो हम कर देंगे यहाँ पर बॉर्न ठीक है ठीक है है नो का हो जाएगा गो मायर का हो जाएगा हायर एच आई आर ई हायर ठीक है क्लियर इसको डाउन करना कॉपी में एक और है इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं द क्र बॉय एक बहुत ही क्रूर बॉय होता है उसके बारे में है द मंकी इन अ केज मंकी क्या है पिंजरे में है द बॉय लुक एट द मंकी मंकी ही गिव्स इट अ स्वीट उसे एक स्वीट देता है मंकी <coughs> एक बॉय होता है क्रूर का मतलब क्या होता है बहुत ही निर्दयी मतलब बहुत ही बदतमीज बिगा लड़का ठीक है वो एक लड़का होता है सा वो क्या करता है मंकी को स्वीट देता है द मंकी ओपन द पेपर उस सोईट को तो पन जो था पेपर उसका जो भी पॉलिथीन थी उसको ओपन करता है इज अ स्टोन और उसमें क्या होता है स्टोन होता है उसके अंदर इन साइड ठीक है द पुअर मंकी इज सैड अब वो सैड हो गया उसको लगा कुछ खाने को मिल रहा है एक तो वैसे ही पिंजरे के अंदर है उससे खाने को टाइम से मिलता होगा तो अब उससे वो सैड हो गया द पुअर मंकी इज सैड और क्यूरल बॉय कितना बेकार लड़का है ठीक है सो इसको टिक करना है द मंकी इज़ इन द फॉरेस्ट नो द बॉय गिव्स द मंकी अ स्टोन ट्रू ठीक है द मंकी thinks इट इज़ a स्वीट्स like सब और सुन होगा कि भैया स्वीट है द मंकी लाइक स्वीट्स सब स्वीट थी नहीं है तो कैसे करता ठीक <coughs> है द मंकी इज सैड कोर्स सैड है ठीक है यहाँ बस तक कर दीजिए ठीक है तो आपका ये इतना हो गया फिनिश अगर आपकी बुक में चैप्टर है तो मुझे बता दीजिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसका हर वक्त भी करा देंगे अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं ठीक है सो ब बाय एंड टेक केयर एंड डू योर वर्क प्रॉपरली ओके